अब्बास अंसारी के पैतृक आवास और निकट के चालक न्यास के घर पर चित्रकूट पुलिस का छापा। मऊ विधायक अब्बास अंसारी और पत्नी निकट के चित्रकूट जेल प्रकरण में हमीरपुर और चित्रकूट की पुलिस ने रविवार शाम मोहम्मदाबाद और रेवतीपुर में सबूत दस्तावेज की तलाश में करीब 2 घंटे गुजारे। इस दौरान पुलिस टीम ने यूसुफपुर स्थित अब्बास अंसारी के पैतृक आवास फाटक में छापा मारकर पूरे मकान की तलाशी ली, लेकिन उन्हें इस प्रकरण से संबंधित कोई आपराधिक वस्तु नहीं मिली। इस दौरान पूर्व विधायक सबकतुल्लाह अंसारी मौजूद रहे। निकट के चालक रेवतीपुर के पश्चिम टोला निवासी न्याज अंसारी के पैतृक आवास पर हमीरपुर जिले के सीओ घनश्याम सिंह के नेतृत्व में हमीरपुर चित्रकूट की पुलिस ने छापेमारी की। न्याज के पिता मुन्ना अंसारी व चचेरे भाई नेपाली को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। पुलिस को दोनों ही जगहों पर छापे में क्या मिला इस बारे में खुलकर कुछ नहीं बताया गया। चित्रकूट जनपद के मऊ कोतवाली के पुलिस सीओ शिव प्रकाश के नेतृत्व में मोहम्मदाबाद पुलिस के साथ शाम 5:30 बजे अब्बास के पैतृक आवास पर पहुंची। घर की तलाशी के दौरान पूर्व विधायक सबकतुल्लाह अंसारी से चित्रकूट पुलिस ने पूछताछ की। सबकतुल्लाह अंसारी का बयान भी लिया गया। मालूम हो कि चित्रकूट जेल में बंद मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी से जेल नियमों के विरुद्ध मिलने गई उनकी पत्नी निकट बानो और उनके ड्राइवर को गिरफ्तार कर अब्बास अंसारी को जेल से भगाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए मुकदमा कायम किया है। उसी की विवेचना में चित्रकूट पुलिस ने उनके पैतृक आवास पर छापेमारी की। सबकतुल्लाह अंसारी ने बताया कि चित्रकूट पुलिस ने उनसे भी आने का कोई मकसद नहीं बताया और पूरे घर की तलाशी लेने के बाद कहा कि हम लोग अब्बास निकट प्रकरण में आए हैं, प्रकरण से संबंधित कोई आपराधिक वस्तु नहीं मिली है। इस अवसर पर चित्रकूट पुलिस के इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, मोहम्मदाबाद के कोतवाल घनानंद त्रिपाठी व SI राजीव त्रिपाठी मौजूद रहे।